इस पार्ट में मनोहर की किस्मत तो नहीं लेकिन उसकी जिंदगी जरूर बदल जाएगी। अब तक आपने देखा हेल के सैनिक मनोहर को घायल कर अपने सेनापति स्कॉर्पियन के पास ले जाते हैं। स्कॉर्पियन मनोहर को डराता धमकाता है लेकिन डरने के बजाय मनोहर उसे ही करारा जवाब दे देता है और ये बात सुन स्कॉर्पियन ठान लेता है कि वो मनोहर को नहीं बल्कि उसके घमंड को खत्म करेगा। वहीं दूसरी ओर पुलिस वाले स्टार्सी यानी दीपक को पकड़ने जाते हैं मगर वो वहां से भाग जाता है। वेंटेज पे एक साइंटिस्ट आके रेड कोबरा ब्लू कोबरा और विजार्ड के प्रोग्राम को वापस से एक्टिवेट कर देता है लेकिन जब तक इन तीनों को हो आता है तब तक मनोहर का अंतिम संस्कार हो चुका होता है। मनोहर की अस्थियों को नदी में बहाने के लिए रेड कोबरा ब्लू कोबरा विजार्ड और गौतम परगेटरी पहुंचते हैं। अब आगे मनोहर रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अगर तुम्हें लगता है ये तुम्हारी धरती है यहाँ जो तुम चाहोगे वही होगा तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। इस नर्क का एक ही महाराज है और समय के अंत तक वही रहेंगे। मेरे महाराज के खिलाफ कोई कुछ कहे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। धरती पे तुम होगे शिव के प्यारे मगर यहाँ उस शिव की भी नहीं चलती। यहाँ चलती है तो केवल और केवल मेरे महाराज की। तुम्हें खुद पर इतना ज्यादा भरोसा है कि तुम हमारे सैनिकों को हरा कर मुझसे बच के अपनी दीपिका को आजाद करा के ले जाओगे तो मैं तुम्हारे विश्वास को हकीकत बना देता हूँ। अभी से तुम जैसा चाहोगे तुम्हें सब कुछ बिल्कुल वैसा ही दिखने लगेगा। जो पहले से ही हार चुका है उसे और हराने में कोई मजा नहीं। मजा तो इसमें है कि उस हारे हुए इंसान को जीत के करीब पहुंचा कर वापस से सब कुछ छीन लिया जाए। मनोहर अब तुम्हें इस नर्क की असली सजा से रूबरू कराने का वक्त आ गया है। यहाँ भ्रम तो सभी को होता है लेकिन मनोहर जितनी आजादी तुम्हारे मन को मिलने वाली है उतनी आज तक किसी को नहीं मिली। तुम यहाँ दीपिका को बचाने आ तो गए लेकिन खुद ही फंस गए। ये देखो तुम्हारी दीपिका तुम्हारे सामने है मगर तुम उससे मिल नहीं सकते। देखो दीपिका मनोहर तुम्हारे सामने है लेकिन तुम्हें बचा नहीं पा रहा। दीपिका तुम कैसी हो? मनोहर आप आ गए? हाँ आ गया लेकिन तुम्हारी तरह कैद हो गया। दीपिका तुम तो कहती थी मनोहर बहुत महान योद्धा है लेकिन नर्क में आते ही वो कमजोर पड़ गया। आजाद कर दो मेरी दीपिका को। ये तुम्हारी धरती नहीं और ना ही मैं तुम्हारा विजार्ड हूँ जो तुम कहोगे और मैं तुरंत मान लूँ। मनोहर प्लीज आप मुझे यहाँ से आजाद कराइए। इन लोगों ने मुझे बहुत तकलीफ दी है। मैं हर रोज इस नर्क की आग में जलती हूँ। दीपिका हिम्मत रखो अब मैं यहाँ आ गया हूँ। अब मैं इन्हें तुम्हें और तकलीफ पहुँचाने नहीं दूंगा। मनोहर तुमने कह तो दिया लेकिन तुम हमें दीपिका को तकलीफ पहुँचाने से रोकोगे कैसे? मनोहर प्लीज मुझे बचा लीजिए अब और सहन नहीं होता। छोड़ दो मेरी दीपिका को ऐसा मत करो। जितना शोर मचाना है मचाओ। शोर मचाने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। मनोहर अब मुझे यहाँ नहीं रहना प्लीज मुझे यहाँ से आजाद कराइए। बस अब बहुत हुआ अब मैं अपनी दीपिका को यूं तकलीफ में नहीं देख सकता। तुम आजाद कैसे हो गए? कितनी बार कहा मैंने छोड़ दो मेरी दीपिका को मगर उसे आजाद करने के बजाय तुम उसे और तकलीफ देते रहे जिसके लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ। उसे बचाने के लिए क्या क्या नहीं करूँगा। सोचने में क्या है कोई भी कुछ भी सोच सकता है लेकिन असलियत कुछ और है। इस नर्क में तुम्हारी शक्तियाँ कभी भी काम नहीं करेगी। दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो मुझे मेरी दीपिका से मिलने से रोके। ये तुमने कैसे किया? आज से पहले मैंने ऐसा कभी नहीं देखा और आज के बाद कभी ऐसा देखोगे भी नहीं। दीपिका मनोहर मुझे माफ कर दो मुझे आने में देरी हो गई। तुमने कहीं ये तो नहीं मान लिया था कि मैं तुम्हें बचाने आऊंगा ही नहीं? मुझे विश्वास था कि आप मुझे बचाने जरूर आओगे। इंतजार लंबा था लेकिन आखिरकार आप आ ही गए। दीपिका
अब हमें यहाँ से निकलना है और यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। अब हम दोनों साथ हैं और हमारी ताकत दुगनी हो चुकी है, हम वो रास्ता भी ढूंढ निकालेंगे। आओ दीपिका, हम दोनों चलते हैं। जाओ मनोहर, ये तो भ्रम की शुरुआत है। तुम जैसा सोचोगे तुम्हें सब कुछ वैसा ही दिखेगा। तुम इस भ्रम की दुनिया में नरक से आजाद होने के सपने सजाओगे मगर कभी आजाद नहीं हो पाओगे। दीपिका तुम चिंता मत करो, मैं मानता हूँ ये हेल्प बहुत बड़ा है लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कराऊंगा। मनोहर मुझे आप पे पूरा भरोसा है। मनोहर तुम जहाँ भी जाओ हम तुम्हें देख सकते हैं, तुम हमारी नजरों से छुप नहीं पाओगे। तुमने हमारे सैनिकों को मारा है और इसकी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुमने खुद का अंत खुद ही चुना है। दीपिका थोड़ा पीछे हट जाओ। अब बताओ तुम कहना क्या चाहते हो? तुमने नर्ग के नियमों को तोड़ा, हमारे सैनिकों को मारा जो माफी के काबिल नहीं है। पिछली बार तुमने हमारे महाराज की बेइज्जती की लेकिन वो तो हमारे सेनापति इतने महान है कि उन्होंने तुम्हें दूसरा मौका दिया, लेकिन तुम अब किसी और मौके के लायक नहीं हो। अब तुम्हें और दीपिका को और तकलीफ सहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक कह रहे हो तुम लोग, अब दीपिका को और तकलीफ सहने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं उसे यहाँ से आजाद कराऊंगा। अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। मैं तो कब से तैयार हूँ। ये नर्क तुम दोनों को भस्म कर देगी। लेकिन उससे पहले मैं तुम सबको भस्म कर दूंगा। या दीपिका चिंता मत करो, हम यहाँ से आजाद हो के रहेंगे। आओ मेरे साथ आगे बढ़ो। रुक जाओ मनोहर, इतनी आसानी से तुम नर्क के बाहर नहीं जा पाओगे। मुझसे इतनी बार हारने के बावजूद तुम मुझसे लड़ने कैसे आ सकते हो? मैं हार गया तो क्या हुआ मनोहर, जीत तो तुम्हारी भी नहीं हुई। अंत में तो तुम वहीं पहुँचे जहाँ मैं हूँ। ये मेरा अंत नहीं बल्कि यहाँ से आजाद होने के बाद एक नई शुरुआत करूँगा। मेरे होते हुए तुम आजाद कैसे हो पाओगे मनोहर? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरे रास्ते के रुकावट बनना बंद करोगे? कभी नहीं। तो इस नर्क में भी मेरे हाथों हारने के लिए तैयार हो जाओ। या मुझे तो हरा दोगे मगर यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कैसे ढूंढोगे मनोहर? जैसे मैंने तुम्हें मारा वैसे ही यहाँ के सभी सैनिकों को मार डालूंगा, तुम्हारे महाराज को भी बंदी बना लूंगा, फिर वही मुझे बताएगा यहाँ से निकलना कैसे है। तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे। मैं ऐसा कर रहा हूँ। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो बताओ मैं इस नर्क से बाहर कैसे निकलूं, वरना तुम्हारा वो हश्र होगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं ये कभी नहीं बताऊंगा। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। या मनोहर, मनोहर रुक जाओ, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। बताओ तुम कैसे इस नर्क से बाहर निकले थे? मैं तो यहाँ का सेनापति था इसलिए मैं कभी भी कहीं भी जा सकता था, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ से बाहर जाना है तो तुम्हें उत्तर दिशा की ओर जाना होगा। उत्तर दिशा में इस नर्क का एकमात्र अंत है। दीपिका आओ चलते हैं।
शहर के सारे एग्जिट्स बंद कर दिए गए हैं। वो चाह के भी एल्पाइन से बाहर नहीं निकल पाएगा। वो एल्पाइन में ही कहीं छिपा है और यहाँ से भागने की फिराक में होगा। उसे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिले उससे पहले हमें उसे ढूंढना होगा। आप चिंता मत करिए, मैंने एल्पाइन के कोने कोने तक अपने ऑफिसर्स भेज दिए हैं। वो एक एक करके सारे एरिया में छानबीन कर रहे हैं। एल्पाइन का एक भी कोना नहीं बचेगा जहाँ वो छुप सके। मैं अपने ऑफिसर्स को भी बुला लेता हूँ, इससे उसे ढूंढना और आसान हो जाएगा। मेरे हिसाब से इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें परगेटरी में ही रहने दीजिए। हम पहले से ही कई इलाके छान मार चुके हैं और अभी हमारे ऑफिसर्स रेल रोड, गैरिसन और रिवर माउथ पे हैं। पूरे इलाके को अच्छे से देखो, वो दीपक बचने ना पाए। ये ओल्ड मिलिट्री बेस है, यहाँ पे ध्यान से ढूंढो। हो सकता है वो ऐसा मानता हो कि ओल्ड मिलिट्री बेस सोचकर हम उसे यहाँ पे ना ढूंढे। हमने कई सारे जगहों में उसे ढूंढ लिया, अब बस कुछ ही जगहें बाकी है, जैसे डॉक, ओशियन व्यू, सनसाइड। इन तीनों जगहों पे हमारे ऑफिसर्स की टीम जा चुकी है। दीपक इन्हीं तीनों जगहों में से कहीं से मिलेगा। अल्पाइन की पूरी पुलिस फोर्स मुझे ही ढूंढ रही है। अगर मैं उनके हाथों लग गया तो वो मुझे जीने नहीं देंगे। सर आप चिंता मत करिए, हमारे फाइटर्स की टीम भी आ चुकी है। हमारे होते हुए आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। वेंटेज जाके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे प्रोग्राम शटडाउन करने थे, लेकिन खुद ये काम नहीं करना था। मेरे जगह किसी और को भेजना चाहिए था। मेरे कारण चाचा परेशान हो रहे होंगे। पता नहीं उन पुलिस वालों ने उनके साथ क्या किया होगा। सर डोंट वरी, हम आपके अंकल को भी बचा लेंगे। हमारे होते हुए आपको या आपके परिवार को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब चाहे पुलिस फोर्स आए या पूरी मिलिट्री, अगर उन्हें दीपक तक पहुंचना है तो हम फाइटर्स से लड़ना होगा। हम अपनी जान दे देंगे लेकिन उन्हें दीपक तक नहीं पहुंचने देंगे। दीपिका भागते रहो, रुकना मत। दीपिका, लगता है हम अपने मंजिल तक पहुंच गए। वो रहा यहाँ से बाहर जाने का रास्ता। आओ दीपिका, चलते हैं। जी मनोहर। तुम्हारे लिए वो पृथ्वी का रास्ता है, लेकिन वो रास्ता तुम्हें इस नर्क के किसी दूसरे कोने में ले जाएगा, जहां तुम महसूस करोगे सब कुछ धरती जैसा है। मगर ऐसा कुछ होगा नहीं। तुम अपने दोस्तों को देखोगे, अपने परिवार से मिलोगे, लेकिन असल में वो लोग नर्क के सैनिक होंगे। चारों ओर सब कुछ वैसा ही दिखेगा जैसा तुम चाहोगे। कोई तुम्हारे खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा, और जब तुम इस झूठ को पूरा सच मान लोगे तब ये भ्रम खत्म हो जाएगा, और फिर तुम और तुम्हारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। मनोहर स्कॉर्पियन के भ्रम में फंसता जा रहा है। नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो। वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना, क्या अच्छा नहीं लगा वो भी जरूर से बताना। दोस्तों में जरूर से शेयर कर दो। 15,000 लाइक्स आए में तो पूरा कर दो यार, तुम लोग पूरा नहीं करते हो तो इस बार तो याद से कर देना।